classes and this is Nehal Zungare. Today's our discussing topic is the multiple allele. Okay, हम deviation की बात कर रहे हैं, तो deviation के अंदर हमने incomplete dominance देखा है, उसके बाद हमने codominance देखा है, और उसके बाद जो third वाला deviation आपके syllabus के अंदर दिया है, वो है multiple allele. Okay, so Mendel ने जो Mendelism जो है, जिसके अंदर Mendel के laws हमने study किए हैं, तो उसको oppose करने वाले means उसको कुछ ऑब्जेक्शन आए हैं जिसको हम डेविएशन के अंदर इंक्लूड करते हैं. ओके, तो उसका सबसे पहला हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा, जिसका एग्जांपल मिराबिलिस जलापा लिया था. उसके बाद में कोडोमिनेंस देखा, जिसके अंदर हमने कौन सा एग्जांपल लिया था, कैटल कोट कलर इन कैटल लिया था. उसके बाद में आपको थर्ड वाला जो डेविएशन दिया है वो है मल्टीपल अलील. ओके, तो मल्टीपल अलील के अंदर आपको दो एग्जांपल स्टडी करने हैं. सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है ड्रोसोफिला विंग साइज, और जो दूसरा वाला एग्जांपल है वो है ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम. ओके, तो इस वीडियो में हम एक एग्जांपल देखेंगे ड्रोसोफिला विंग साइज का, और उसके बाद में ये स्टेटमेंट देखेंगे, और जो दूसरा इसके बाद वाला जो वीडियो रहेगा उसके अंदर आपको दूसरा एग्जांपल मिल जाएगा जो कि है ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम. ये दोनों भी जो एग्जांपल है वो दोनों भी एग्जांपल किसके अंदर आते हैं, मल्टीपल अलील के अंदर आते हैं. ओके, सो नाउ मल्टीपल अलील. अब मल्टीपल अलील नाम से हमें पता चल रहा है कि मल्टीपल का मीनिंग क्या होता है. ओके, मल्टीपल का मीनिंग होता है मोर देन टू और मेनी, जिसको हम मेनी कहेंगे या मोर देन टू कहेंगे, दो या दो से ज्यादा, उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल मेनी. उसके बाद में अलील क्या होता है, तो अलील को अलील हम किससे कहते हैं, जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म, उसको हम क्या कहते हैं, अलील कहते हैं. ओके, सो मल्टीपल अलील ये फिनोमिना हमको देखना है. ओके, तो सबसे पहले आपको इसके अंदर स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट आपको समझ लेना है, और मैंने यहाँ पे इस वीडियो में एक एग्जांपल डिस्क्राइब करके बताऊंगी, और दूसरे वीडियो में मैं आपको दूसरा एग्जांपल डिस्क्राइब करके बताने वाली हूँ. ओके, सो मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन. अब हम अलील किससे कहते हैं, अपना स्टेटमेंट अपना जो हेडिंग है वो क्या है, मल्टीपल अलील. ओके, तो मल्टीपल का मीनिंग होता है मोर देन टू और मेनी, उसके बाद में अलील का मीनिंग क्या होता है, तो जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म, उसे हम क्या कहते हैं, अलील कहते हैं. ओके, सो यहां से हमारा स्टेटमेंट शुरू हो गया, तो यहां तक. ओके, तो स्टेटमेंट के अंदर आपको क्या बताया है, मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, किसी जीन के दो या दो से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म. ओके, इन अ पॉपुलेशन, कोई पॉपुलेशन है, जैसे समझ लो ह्यूमन बीइंग. ओके, ह्यूमन बीइंग ये हो गई एक पॉपुलेशन. इस पॉपुलेशन के अंदर जो एखादा या कैरेक्टर शो करने वाला एखादा जीन कंसिडर कर लो. ओके, अब वो जो कैरेक्टर डिसाइड करने वाला जीन है उस जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म. ओके, दो या दो से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म, तो उसे हम क्या कहते हैं, अलील्स कहते हैं. ओके, किसी जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म. ओके, ऐसे भी पाए गए हैं बहुत से ऑर्गेनिज्म में. अब जब मेंडल जी ने हमें बताया था, तो मेंडल जी ने हमें डोमिनेंट रेसेसिव इतना ही बताया था, बट हमको सिर्फ डोमिनेंट और रेसेसिव ही अलील हमको नहीं दिखाई दिए, तो दो से ज्यादा भी अलील्स हमको कई ऑर्गेनिज्म में दिखाई दिए थे. ओके, तो उससे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल अलील, किसी जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म. ओके, मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन. ओके, किसी पॉपुलेशन में ऑक्युपाइंग द सेम लोकस ऑन अ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर उसका जो लोकेशन है वो सेम रहेगा. ओके, लोकस का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर, लोकेशन. क्रोमोसोम के ऊपर उसका जो लोकेशन है वो सेम रहेगा ऑन अ क्रोमोसोम और इट्स होमोलोगाइड. ओके, या तो होमोलोगस की जो पेयर रहती है उसका जो पेयर में रहेंगे, या तो इसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं. ओके, मींस जो मॉर्फोलॉजिकली एंड स्ट्रक्चरली सिमिलर क्रोमोसोम रहेंगे उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयर कहते हैं. ओके, तो ये जो अलील्स का लोकेशन है वो सेम रहेगा, सेम लोकस ऑन क्रोमोसोम और इट्स होमोलोगाइड आर कॉल्ड एज द मल्टीपल अलील. यहाँ
कह देंगे। तो किसे कहते हैं? मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। ओके, जीन के बहुत सारे अल्टरनेटिव फॉर्म। ओके, कहां पर रहते हैं? ऑक्यूपाइंग द सेम लोकस ऑन अ क्रोमोसोम और इट्स होमोलोगाम। ओके, इट्स कॉल्ड एज द मल्टीपल अलील। ओके, ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म है बहुत सारे, उसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपल अलील। अभी तक जो आपने पढ़ा है, तो आपने दो ही अलील आपने देखे हैं, किसी कैरेक्टर के आपने दो ही अलील देखे हैं। जैसे कि समझ लो, हाइट वाला अगर आप जीन लेते हो, ओके, हाइट वाला अगर आप जीन लेते हो, तो हाइट के अंदर आपको क्या दिखाई देता है? यहाँ पे दो अलील आपको दिखाई देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, बराबर है, जो कि एक डोमिनेंट है और दूसरा कैसे है? रिसेसिव है। उसके बाद में आपने देखा है कि कलर वाला जो जीन है उसके अंदर आपने येलो एंड ग्रीन ऐसे दो अलील देखे हैं, राइट, एक्सियल टर्मिनल। ओके, ऐसे दो दो अलील आपने देखे हैं। ओके, एक को हमने डोमिनेंट कहा और एक को हमने क्या कहा है? रिसेसिव कहा है। ये हो गए दो अलील एक जीन के। ओके, समझ लो हाइट शो करने वाला कोई जीन है जो हाइट शो करता है, तो उसके दो अलील, एक हो गया कैपिटल डी और दूसरा हो गया स्मॉल डी। एक समझ लो कलर शो करने वाला जीन, सीड का कलर बताने वाला, तो कलर या तो ग्रीन या तो येलो और ग्रीन, बराबर है, इन दो दो ही अलील अभी तक आपने देखे। तो किसी जीन के सिर्फ दो ही अलील रह सकते हैं क्या? नहीं, तो दो से ज्यादा भी अलील रह सकते हैं कोई पॉपुलेशन में, कोई स्पीसीज में। ओके, तो वो जो मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म हो गए, वो जो बहुत सारे अलील हो गए, उसको हम क्या कहते हैं? मल्टीपल अलील। ओके, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले जो एग्जांपल दिया है वो है ड्रोसोफिला विंग साइड। अब यहाँ पे दो मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं कि मल्टीपल अलील क्यों फॉर्म होते हैं। ओके, ये जो मल्टीपल अलील्स फॉर्म होते हैं, ये जो बहुत सारे जीन के अल्टरनेटिव यहाँ दो है और दो से ज्यादा भी फॉर्म होते हैं। ओके, अब मेंडल जीन सिर्फ एक डोमिनेंट रहता है और दूसरा रिसेसिव रहता है, इतना ही बताया है, मींस दो अलील रहते हैं, बट डेविएशन में क्या है कि दो से ज्यादा भी अलील रहते हैं। और ये अलील किसी जीन के, ये जो अलील है, ये अलील क्यों फॉर्म होते हैं? तो इसके पीछे क्या रीजन है? म्यूटेशन। ओके, कोई एक जीन लिया हमने, उस जीन के अंदर म्यूटेशन होता है, सेवरल टाइम म्यूटेशन होता है, और जितने बार म्यूटेशन होगा उतने बार उसके अलील्स फॉर्म होंगे। ओके, तो ये जो बहुत सारे अलील्स फॉर्म हो रहे हैं, तो ये अलील्स फॉर्म होने के पीछे क्या रीजन है, किसकी वजह से ये अलील्स फॉर्म होते हैं? म्यूटेशन की वजह से अलील फॉर्म होते हैं। ओके, तो म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन का मीनिंग होता है कि चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ओके, किसी ऑर्गेनिज्म का जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है, समझ लो कोई भी सीक्वेंस डीएनए है, इस डीएनए के अंदर अगर चेंज हो गया, मीन्स इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड में अगर चेंजेस आ गए, तो उसको हम क्या कहते हैं? और ये चेंजेस सडन आ जाते हैं, सडन चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड एज द म्यूटेशन। ओके, मीन्स समझ लो मेरा डीएनए है, ओके, अब मेरा डीएनए स्पेसिफिक है, मेरा डीएनए फिक्स है कि नहीं भाई, ऐसा ऐसा सीक्वेंस मेरे डीएनए में है। समझ लो यहाँ पे मैंने लिया ए, या तो फिर ऐसे समझ लो 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा कुछ सीक्वेंस मेरे डीएनए में है, बीच में 2 और 3 के बीच में 6 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? ऐसा मेरा सीक्वेंस था, बट ये 6 आने के कारण अब मेरा सीक्वेंस कैसे हो गया? 1, 2, 6, 3, 4, 5 ऐसे हो गया। तो ये जो चेंज हो गया, इसको हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं, और इसी म्यूटेशन की वजह से मल्टीपल अलील्स फॉर्म होते हैं। ओके, और हर एक अलील ट्रेट तो हर एक जो अलील है वो कुछ ना कुछ वेरिएशन हमको दिखाएगा। ओके, मींस अभी देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल में समझ में आ जाएगा, मल्टीपल अलील्स अराइजेस बाय म्यूटेशन ऑफ वाइल्ड टाइप जीन। वाइल्ड टाइप जीन मतलब जो पहला वाला जीन है उसको हम कहेंगे वाइल्ड टाइप जीन, और जिसके अंदर म्यूटेशन होने जा रहा है, मींस सबसे पहला वाला जो है वो हो गया वाइल्ड टाइप जीन, उसके बाद में म्यूटेशन हुआ अलील फॉर्म होगा, और म्यूटेशन होगा
ओरल फॉर्म होगा, तो जो फर्स्ट वाला जो है मेन जीन उसे हम क्या कहेंगे वाइल्ड टाइप जीन, जिसके अंदर म्यूटेशन होते रहता है और जितने बार म्यूटेशन होगा उतने बार वो एलील्स फॉर्म करेगा। ओके, वन वाइल्ड टाइप जीन मींस एक जो मेन जीन है कैन म्यूटेट सेवरल टाइम, बहुत बार वो म्यूटेट होगा और मल्टीपल एलील्स फॉर्म करेगा। अब एग्जाम्पल जो दिया है वो दिया है आपको ड्रोसोफिला विंग साइज। ड्रोसोफिला एक फ्लाइज है, ओके तो यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाई देगी ओके कि वो क्या है फ्लाई है, फ्लाइज है। तो ड्रोसोफिला की जो विंग साइज है, अब इसके मल्टीपल एलील के बहुत सारे एग्जांपल है, आई कलर का भी एग्जांपल है, बट आपकी सिलेबस में विंग साइज का एग्जांपल दिया गया है। तो इसके अंदर आपको दिखाई देगा कि म्यूटेशन होते गया। ओके, अब समझ लो मैंने फर्स्ट वाली जो ड्रोसोफिला ली ओके उसके जो विंग थे वो नॉर्मल विंग थे, ओके नॉर्मल विंग थे जिसका जीनोटाइप वीजी प्लस लिया। ओके, अब इसका जो विंग विंग ये तो कैरेक्टर हो गया। ओके, अब विंग का जो जीन है समझ लो ये जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया मीन्स इसका जीनोटाइप बदल गया, मीन्स इसका जो जीन में जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का वो बदल गया, वो बदलने के कारण इधर कैरेक्टर भी थोड़ा सा चेंज हो गया। अब दूसरी जो जनरेशन फॉर्म हो गई वो नॉर्मल विंग ना होते हुए उसको वो विंग कैसे हो गए, निक विंग हो गए। ओके, उसके बाद में और म्यूटेशन हुआ, नोच विंग हो गए ड्रोसोफिला के, और नेक्स्ट जनरेशन में स्ट्रैप विंग हो गए, और फाइनली कुछ जनरेशन के बाद में अगर देखें तो वो विंग ही खत्म हो गए, वेस्ट जेल विंग हो गए, जो कि पहले कैसे थे नॉर्मल विंग थे। नॉर्मल विंग से लेके वेस्ट जेल विंग तक ये किस कारण से हो गया, म्यूटेशन। ये जो जीन था, ये जो जीन है वाइल्ड टाइप जीन, इसके अंदर म्यूटेशन हो गया और एलील फॉर्म हो गए, और म्यूटेशन हो गया और एलील फॉर्म हो गए, ऐसे एलील फॉर्म होते 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 क्या हो गया, मींस इसके पीछे क्या फिनोमेना है, म्यूटेशन ही है। ओके, म्यूटेशन के कारण ड्रोसोफिला की अगर सबसे पहले वाली जनरेशन हम देखें तो उसको नॉर्मल विंग थे, और अभी जो जनरेशन देख रहे मीन्स ये सब होने के बाद में जो जनरेशन देखेंगे वो तो वेस्टिजियल विंग्स है, मीन्स उसको विंग नहीं है। तो ये डायरेक्टली नहीं हुआ कि नहीं फर्स्ट जनरेशन में नॉर्मल विंग है और नॉर्मल विंग से जो दूसरी ड्रोसोफिला पैदा होगी उसको विंग ही नहीं है, ऐसे तो डायरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोसेस कैसी है, स्लो प्रोसेस है। ओके, तो पहले नॉर्मल विंग वाली ड्रोसोफिला थी, उसके बाद में विंग निक विंग हो गए, उसके बाद में थोड़े और नोच हो गए, उसके बाद में स्ट्रैप हो गए, और उसके बाद में विंग ही खत्म हो गए। ओके, तो ये सब क्या हो गए, उसके एलील्स हो गए। तो ये हो गया ड्रोसोफिला विंग साइज का एग्जांपल, जो किसके अंदर आता है, मल्टीपल एलील के अंदर आता है। इस प्रकार से हमने क्या देखा, मल्टीपल एलील का स्टेटमेंट देखा और उसके अंदर एक एग्जांपल देखा, दूसरा एग्जांपल दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगा। ओके, एक हो गया ड्रोसोफिला विंग साइज, दूसरा जो है वो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या डिस्क्राइब किया है, मल्टीपल एलील। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।